देश भर में कृष्ण जन्मोत्सव की रौनक, मंदिरों में की गई विशेष सजावट, कृष्ण भक्ति में लीन दिखे श्रद्धालु। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर बांके बिहारी की नगरी मथुरा में भक्तों की भीड़, शहर में चारों तरफ उत्सव का माहौल, दूर दूर से मथुरा पहुंचे श्रद्धालु। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के गर्भगृह में की गई मंगल आरती, जन्माष्टमी के लिए बेहद सुंदर तरीके से सजाई गई श्री कृष्ण जन्मभूमि। दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में जन्माष्टमी के दिन इस्कॉन मंदिर में भीड़, भारी सजावट के साथ मनाया जा रहा है उत्सव। नोएडा के इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी का खूबसूरत नजारा, फूल और लाइटिंग से मंदिर को सजाया गया। केरल के कुन्नूर में नंदलाल के भक्तों ने खास कार्यक्रम का किया आयोजन, जिसमें भक्तों ने राधा कृष्ण की पोशाक पहनकर किया नृत्य। ये बीटल नस्ल की बकरियों को पालते हैं। 1 लीटर दूध को 100 रुपए में बेचते हैं। हर महीने लगभग 30 लाख कमाते हैं। आपको इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। महाराष्ट्र में 2 साल बाद हो रहा दही हांडी का उत्सव, घाटकोपर, वरली और ठाणे में बड़े आयोजन, मुंबई के इस्कॉन मंदिर में लगाई गई स्पेशल सिक्योरिटी। महाराष्ट्र में दही हांडी को मिला खेल का दर्जा, प्रो गोविंदा लीग की होगी शुरुआत, दही हांडी में हिस्सा लेने वाले गोविंदाओं को सरकारी नौकरियों में मिलेगी जगह। बेंगलुरु में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के लिए इस्कॉन टेम्पल में खास तैयारी, सुबह से ही मंदिर में लगी श्रद्धालुओं की भीड़। कर्नाटक के बेंगलुरु में बांके बिहारी के रंग में रंगे नजर आए श्रद्धालु, राधे राधे के जयकारों से गूंजा इस्कॉन मंदिर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जन्माष्टमी के मौके पर निकाली गई विशेष यात्रा, गोविंदा के भजनों पर झूमते नजर आए कश्मीरी पंडित। श्रीनगर में आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए जन्माष्टमी की यात्रा में सुरक्षा चाक चौबंद, बुलेट प्रूफ गाड़ियों और हथियारों के साथ यात्रा में शामिल हुए सुरक्षा बल। कोलकाता के इस्कॉन मंदिर में नंदलाल की भक्ति में रमे दिखे श्रद्धालु, जन्माष्टमी के अवसर पर कृष्णा के भजनों पर खूब थिरके श्रद्धालु। पीएम मोदी ने भी जन्माष्टमी के पावन अवसर पर देशवासियों को दी बधाई, गोवा में हो रहे हर घर जल उत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। गोवा की जनता को, प्रमोद जी और उनकी पूरी टीम को, गोवा की सरकार को, स्थानीय स्वराज की संस्थाओं को, हर किसी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुंबई के गिरगांव में इस्कॉन मंदिर में भजन कीर्तन का आयोजन, राधा कृष्ण को पहनाए गए सुंदर पोशाक। मुंबई के दादर में दही हांडी उत्सव, गोविंदा बनकर लड़कियों ने भी फोड़ी दही हांडी। मुंबई के दादर इलाके में मटकी तोड़ कार्यक्रम का आयोजन, दिव्यांगों ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मुंबई के कई इलाकों में आधी रात में ही लोगों ने मनाया दही हांडी उत्सव, सरकार के बीमा ऐलान के बाद लोगों में दही हांडी के लिए और भी उत्साह। मुंबई के वर्ली में बीजेपी ने दही हांडी कार्यक्रम का किया आयोजन, शिवसेना का बीजेपी पर आरोप, कहा बीजेपी दही हांडी के आयोजन से जम्बूरी मैदान को खराब करने की कोशिश कर रही है। मुंबई में दही हांडी उत्सव में हादसे का शिकार हुए कई लोग, उत्सव के दौरान अब तक 12 लोग घायल। पूरे महाराष्ट्र में आयोजित की जाएगी प्रो गोविंदा लीग, सरकार के दही हांडी को खेल का दर्जा देने के बाद लिया गया फैसला। मध्य प्रदेश के रतलाम में जन्माष्टमी के मौके पर कृष्ण मंदिरों में विशेष सजावट, आज रात 12 बजे कृष्ण जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाया जाएगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में द्वारकाधीश गोपाल मंदिर में जन्माष्टमी पर फिर लौटी रौनक, रोशनी और फूलों से मंदिर को सजाया गया, कृष्ण के भजन से गूंजा मंदिर परिसर। गुजरात में द्वारकाधीश मंदिर में जन्माष्टमी के मौके पर खास आरती का आयोजन, गोविंदा को कराया गया दुग्ध स्नान, द्वारकाधीश मंदिर में सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़। कान्हा के जन्मदिन पर योगी आदित्यनाथ का मथुरा वृंदावन दौरा, मथुरा में कार्यक्रम में लिया हिस्सा। गुवाहाटी में भी कृष्ण भक्ति में डूबे दिखे श्रद्धालु, गुवाहाटी के इस्कॉन मंदिर में भी लगी दर्शनार्थियों की भीड़।
ये बीटल नस्ल की बकरियों को पालते हैं। एक लीटर दूध को 100 रुपए में बेचते हैं। हर महीने लगभग 30 लाख कमाते हैं। आपको इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।